स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की. व्हाट इज स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन? एक्चुअली व्हेन वी हैव टू फिगर्स, फर्स्ट इज एन आर्गन प्लेट, कॉम्प्लेक्स प्लेट, एंड सेकंड इज अ स्फीयर. तो जब हम इन दोनों को एक ऐसे मैप के थ्रू कनेक्ट करें जो 1-1 एंड O2 हो, तो वो मैपिंग कहलाती है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको कोई भी आर्गन प्लेन गिवन है और स्फीयर गिवन है, तो इन दोनों को आप कैसे 1-1 O2 मैप कर बना सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, कोई भी यदि प्लेन आपके पास गिवन है तो आप उसके ऊपर स्फीयर रख भी सकते हैं, प्लेन को स्फीयर के ऊपर रख सकते हैं, या जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं कि प्लेन को स्फीयर के बिल्कुल सेंटर से भी पास करा सकते हैं. राइट, अब ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फ्रेम की हुई है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए. बट यदि नॉर्मल वे में आपसे कोई पूछे कि स्फीयर और आर्गन प्लेन को आप किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में ही रखेंगे तभी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बनेगी, देन आंसर इज नो. आप उसे किसी भी पोजिशन में रख सकते हैं, और किसी भी पोजिशन का मतलब कि आपको क्या करना है कि कोई भी एक आर्गन प्लेन लिया है और एक स्फीयर लिया है, चाहे तो आप स्फीयर को उसके ऊपर लटका भी सकते हैं, तो भी आप एक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं. आप चाहे तो प्लेन को उसके ऊपर लटका दें, ठीक है, तो भी आप एक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं, चाहे तो आप उसके बीच में से पास करा दें तो भी स्टीरियोग्राफिक बना सकते हैं. राइट, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो, तो ये दो मेथड मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन को कैसे आप देख सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप इन दोनों में क्या डिफरेंस देखेंगे. यदि आप ये वाली सिचुएशन लेते हैं तो आपका स्फीयर कैसा होगा, और यदि आप ये वाली सिचुएशन लेते हैं तो आपका स्फीयर कैसा होगा. तो सबसे पहली बात, कोई भी हमारे पास आर्गन प्लेन है, सबसे पहले मैं केस वन डिस्कस कर रहा हूं, तो सबसे पहली बात है कोई भी आर्गन प्लेन है, आर्गन प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, क्योंकि वहां पे एक्स एंड वाई ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो यदि मुझे इसे 3D प्लेन के अंदर लिखना हो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x, y एंड 0. किसी भी पॉइंट को यदि मुझे दिखाना है तो x, y एंड 0, राइट, x, y, 0, ये आर्बिट्री पॉइंट हो गया. और क्योंकि आर्गन प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक उसका सेंटर पॉइंट भी होगा, ठीक है, दैट मीन्स ओरिजिन पॉइंट, जहां पे x भी 0 हो, y भी 0 हो, z भी क्या होगा वहां पे 0 होगा. राइट, तो हमने क्या करा, इस वाले स्फीयर को इस प्लेन के ऊपर प्लेस करा, सो दैट जो स्फीयर का डायामीटर है वो इसके सेंटर पॉइंट से पास होके जाए. ठीक है, तो जो इसका पोल होगा, कौन सा, साउथ पोल ऑफ स्फीयर, वो कहां से होके जाएगा, सेंटर से. और जब हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, तो हम नॉर्थ पोल हमेशा 0-0-1 लेके चलते हैं. ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल में बात करते हैं रिमान स्फीयर की, यूनिट रेडियस स्फीयर की, तो वहां पे 0-0-1 ही होता है. ठीक, अब देखिएगा, 0-0-1 यदि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल 0-0-0 है, तो ये डायामीटर 1 यूनिट लेंथ का हो जाएगा. ठीक है, अब यदि 1 यूनिट लेंथ का इसका डायामीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ, तो इसका सेंटर कितना होगा, 0-0-1/2. राइट, आई थिंक ये चीज आपके अब क्लियर हो जानी चाहिए. तो जैसे ही इसका मुझे सेंटर मिला और रेडियस मिली, तो इस स्फीयर की इक्वेशन भी मुझे मिल जाएगी, और वो सेंटर्ड एट 0-0 से डिफरेंट होगी. इक्वेशन क्या होगी, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ स्क्वायर. राइट, नाउ अब क्या करते हैं हम कि जो नॉर्थ पोल है वहां से हमने एक थ्रेड लिया, राइट, और उस थ्रेड को हमने इस प्लेन पर मिलाया. ठीक है, तो प्लेन के किसी एक ही पॉइंट से मिलेगा, थ्रेड का जो एंड पॉइंट होगा वो मान लिया कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर करा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड जीरो. क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है. ठीक है, अब जब थ्रेड यहां से यहां तक आएगा तो ये किसी, क्योंकि यहां पे क्या होगा, ये एक बिल्कुल डायमीटर की तरह से काम करेगा, यदि आप यहां पे देखोगे तो ये सर्किल की तरह से कट कर देगा. ठीक है, यदि आपने क्या करा, इसे यहां से कट किया, ठीक, तो ये क्या होगा, ऐसे होगा जैसे बॉल के ऊपर से आप एक पार्ट उतार देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सर्किल का डायमीटर हो जाएगा. तो एक इनिशियल पॉइंट ये हुआ, एंड पॉइंट ये हुआ, ये वाला पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा, तो हम इसे तो बार बार नहीं यूज करेंगे, बट ये वाला पॉइंट वैरी करता रहेगा. तो ये जो वैरी करने वाला पॉइंट है, इसे ही हम मैपिंग देंगे ए पॉइंट के साथ. ठीक है, तो इस जनरल पॉइंट को हमने मान लिया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड. अब मेरे पास क्या हुआ, 3 कोऑर्डिनेट के साथ x 0 0 1 x y z एंड x y 0 के साथ एक लाइन हो गई npa.
ठीक है। तो इस लाइन की यदि मैं इक्वेशन लिखूं तो वो होगी कैपिटल एक्स माइनस जीरो अपॉन स्मॉल एक्स माइनस जीरो इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस जीरो अपॉन स्मॉल वाई माइनस जीरो एंड जेड माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन। क्योंकि तीनों रेशियो इक्वल है तो मैंने क्या करा, इसे एक नंबर के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो k की वैल्यू यहां से मुझे फाइंड आउट करनी होगी। तो यहां से मुझे रिलेशन मिला कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x के, कैपिटल y इक्वल टू स्मॉल y के एंड z इक्वल टू 1 माइनस k। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन पहले से गिवन है और कैपिटल x y z की वैल्यू मैंने दोबारा से निकाली है, तो ये सारी के सारी जो सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज हैं ये आप 1 में प्लेस कर दीजिए। तो जो पूरी इक्वेशन होगी वो किस में हो जाएगी, स्मॉल x स्मॉल y एंड k में हो जाएगी। ठीक है, यहां से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखिए तो आपको कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z इन टर्म ऑफ x y मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, व्हेन यू हैव प्लेस्ड एन स्फीयर ऑन एन ऑर्गन प्लेन। ठीक है, ऑन एन ऑर्गन प्लेन, राइट। अब यदि सेकंड पार्ट को मैं डिस्कस करूं तो यहां पे क्या करा है उसने कि जो ऑर्गन प्लेन है, ठीक है, इसे बिल्कुल सेंटर से पास करा है, किसके, स्फीयर के। ठीक है, अब यदि स्फीयर के सेंटर से पास कराता है तो हमें ये तो पता है कि ऑर्गन प्लेन का जो सेंटर है वो तो 0 0 0 है। ठीक, और जब वो इस स्फीयर के सेंटर से जाएगा तो स्फीयर का भी सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, राइट। जब स्फीयर का सेंटर 0 0 0 हुआ तो नॉर्थ पोल तो हमारा अभी भी 0 0 1 है, तो रेडियस कितनी हो गई, 1 एंड सेंटर हो गया 0 0 0। तो इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। अब सेम चीज मुझे करनी है कि n पे मैंने एक थ्रेड बांधा और उसे प्लेन के किसी भी एक पॉइंट से टच करा, तो ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा p, कहां पर, स्फीयर के ऊपर। इसे फिर से कैपिटल x y z मान लिया, तो मुझे क्या करना है, इस कैपिटल x y z की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे कोई भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और कहेगा कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के थ्रू यदि आपको मैं यूनिट रेडियस स्फीयर दूं दैट मींस ये वाला, ठीक है, हाफ रेडियस स्फीयर दूं दैट मींस ये वाला। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे वो सेटिस्फाई करा रहा है, तो आप उसका पॉइंट बताइए p क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल वही पहले npa की इक्वेशन लिखनी है, npa में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, xy 0 कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z 0 0 1, तो इसकी जो सेकेंड इक्वेशन तक होगी वो एज फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में करा है, क्लियर। फिर से क्या करना है, यहां से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखिएगा और फिर वहां से आपको मिलेगी के की वैल्यू, के की वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड का वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, जिससे आप स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई यदि मैं आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं तो आप उसकी तुरंत विद इन सेकेंड्स एक स्टीरियोग्राफिक मैपिंग बता सकते हैं कि इस वाले स्फीयर के ऊपर इस पॉइंट पे ये वाला नंबर मैप होगा। ठीक है, बट फिर से मैं एक बार आपसे कहता हूं कि जो स्फीयर उसने दिया है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसे सेंटर से ही पास कराए, राइट। हो सकता है कि वो सेंटर से थोड़ा सा नीचे से पास कराए तब भी स्टीरियोग्राफिक बन जाएगी, बस तब क्या होगा मेरी कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यदि मैं इस वाले पॉइंट पे प्लेन रखता हूं या इस वाले पॉइंट पे प्लेन रखता हूं जैसे यहां पे टच कराया है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये पूरा डायामीटर है और डायामीटर में तीन पॉइंट मुझे पता है, ये एंड पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो यहां से मैं डिस्टेंस को इजीली मेजर कर सकता हूं। ठीक है, तो ये है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का मेन कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे एक्चुअल में डाउट रहता है लोगों के बीच में इस वाले सिचुएशन में और इसमें, हमने जो लास्ट में किया था वो इस के थ्रू किया था, बट यहाँ पे मैंने इक्वेशन गलत ले ली थी कि यहाँ पे मैंने इसका सेंटर 0 0 0 लिया था, तो वो आप वहां पे करेक्ट करिएगा, ये सेंटर होगा 0 0 1/2। ठीक है, अब स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट बताता हूं कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखिए जैसे ये है ग्रेट सर्किल, ठीक है, इसमें भी यहाँ पे कोई ग्रेट सर्किल बनेगा, ठीक, या ग्रेट सर्किल छोड़िए बहुत सारे सर्किल बन सकते हैं, आप कहीं से भी कट करते हैं, जैसे आपने एक बॉल को लिया और ऊपर से कट कर दिया तो सर्किल बनना ही है, फिर से आपने कट कर दिया फिर से सर्किल बनना है, यानी कि उस सर्किल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं यदि आप इनकी इमेजेस लें, क्या करेंगे, थ्रेड के थ्रू थ्रेड घुमाते रहेंगे जैसे आप कंपास के थ्रू सर्किल बनाते हैं।
ठीक है, तो क्या होगा, वो कंपास की जो फिक्स वाली लेग होगी वो हो जाएगी नॉर्थ साउथ पोल, ठीक, और ये वाली लेग हो जाएगी जो मूव कर रही है। तो कोई भी सर्किल यदि आप स्फीयर पे लेते हैं तो उसकी जो इमेज होगी वो एक सर्किल ही होगी। कहने का मतलब है ग्रेट सर्किल की इमेज ग्रेट सर्किल ही होगी, सर्किल की इमेज भी सर्किल ही होगी इन स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो उसकी तो आप इमेज निकाल सकते हैं, बट यदि आप एक सिंपल सर्किल लेंगे आपने कोई भी जो उस स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसकी इमेज क्या एक लाइन आएगी, क्या एक सर्किल आएगा, क्या एक रेक्टेंगल आएगा, क्या एक स्क्वायर आएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करिएगा कि मैं किस तरह से बता रहा हूँ कि ये एक फिक्स लेग हो गई, ये कंपास की जो मूवेबल लेग है वो हो गई जो रोटेट कर रही है, और यदि आप इसे रोटेट करेंगे तो वो क्या होगी। जैसे सपोज करिएगा आपने इसी पॉइंट से यहाँ से एक सर्किल बना दिया, तो क्या होगा, ये वाली जो लेग है इस सर्किल के अराउंड में घूमती रहेगी, तो यहाँ से क्या होगा, ये फिर से एक दोबारा से सर्किल में ही घूमती रहेगी। दैट मीन्स जितने भी इमेज वाले पॉइंट आएंगे वो भी एक सर्किल फॉर्म करेंगे। आप इसे वेरीफाई करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको आज का लेक्चर ये कैसा लगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।